मोदी की सुनामी में बड़े बड़े विरोधी सूरमा धराशायी हो गए, जो मोदी लहर को गए दिनों की बात बता रहे थे। उनका तो नामो निशान मिट गया। ये पीएम नरेंद्र मोदी का ही जादू है कि बीजेपी की जीत की धूम भारत से लेके अमेरिका तक मची है। लोगों के ऊपर मोदी का जादू सिर चढ़ के बोल रहा है। मोदी, 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 मोदी। नरेंद्र मोदी की शानदार जीत ने सियासत की नई तस्वीर सामने रखी है। लोग मोदी को करिश्माई नेता कह रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका संवाद और जनता से जुड़ने की ताकत उन्हें अलग नेता बनाती है, और इसी छवि ने देश विदेश में धूम मचा दी। भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत का महाजश्न देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी चल रहा है। बीजेपी की इसी महाजीत का जश्न अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के साथ मिलकर मनाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस बार की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम है, और जो पीएम मोदी ने किया वो अविश्वसनीय था। धमाल कमाल बेमिसाल तो मोदी जी ने किया है, हम तो सिर्फ मना रहे हैं। जो हिंदुस्तान में आज हुआ है वो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, और हमने खुद नहीं सोचा था कि इस हद तक भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी, लेकिन हमारी लीडरशिप ने जो काम किया कमाल किया, और हमारी सबको शुभकामनाएं, सबको बधाई, पूरे भारतवासियों को बधाई। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के सभी कार्यकर्ता बहुत ही खुश नजर आए, और बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के जश्न में हर कोई शामिल दिखा। लालू जी, आप पुराने ओवरसीज बीजेपी के लीडर रहे हैं, आप इस इलेक्शन और इसकी जीत के बारे में क्या कहेंगे? ये यूनिक जीत है, ये नरेंद्र भाई ने कमाल कर दिया है। यू नेवर इमेजिन के वी विल विन दिस मच विथ मेजोरिटी। और आप तो सीधे भारत कान से लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, आपने तो महाराष्ट्र की बागडोर भी संभाली हुई है, जनरल सेक्रेटरी है मुंबई बीजेपी के, यहाँ मौजूद हैं, आपको तो वहाँ होना चाहिए था। देखिए, मैं कान में आया था फिल्म लेकर, मराठी फिल्म को लेकर, बाद में यहाँ से होकर गुजरा तो मुझे लगा कि मैं हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान कैसा बसता है उसका भी दृश्यावलोकन करूं, और साथ में भारत की विजय का जश्न भारतीय कैसे मनाते हैं बाहर से, तो उसको देखने के लिए मैं आया हूं। और मुझे खुशी है कि आज़ादी की लड़ाई का दूसरा युद्ध 2014 में लड़ा गया था, और 2019 में एक षड्यंत्र पर विजय प्राप्त करने का काम भारत के लोगों ने किया है, और इसलिए इस बार मोदी की लड़ाई आम जनता ने लड़ी, इसकी खुशी है। हर तरफ खुशी की लहर है, हर तरफ खुशी की लहर है। आप लोग आप लोग में से कैंपेन करने कौन गया था? भारत सब गए, आप लोग सब कैंपेन गए थे। क्या बात है, तो आपको लग रहा था किसने क्या सीट प्रिडिक्ट करी थी, ये बताए मुझे, सही बताए। मैंने तो 3,500 फोन कॉल किया, 4 वीक इंडिया था, मैंने तो देखा कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे। आई प्रिडिक्टेड 300+ seats एंड आई एम टुडे प्राउड कि मेरे भाजप ने 305 सीट के बाहर आ गए। और आप 325 सीट्स आई प्रिडिक्टेड, 300 अलोन बीजेपी। वी ऑल डिड एवरीथिंग व्हाटएवर वी कैन, सो दैट्स वी डिड, स्पेशली सोशल मीडिया से हम लोगों ने काफी ज्यादा वर्क किया, और उसके लिए हमें लगता है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी विनिंग ली। थैंक यू सो मच। हम लोग इधर रह के ज्यादा तो कर नहीं सकते हैं, कुछ किसी लोग तो वोट भी नहीं दे सकते, बट वी सपोर्टेड हिम फ्रॉम हियर। सो अच्छा, आप मोदी जी से आप जीत गए हैं, आप ओवरसीज के हैं, बहुत सारे लोगों के ब्रिटिश पासपोर्ट हैं, क्या आप चाहते हैं उनसे, क्या करें वो आपके लिए, ये बताएं। चाहूंगी कि ये ड्यूअल सिटीजनशिप का राइट हम लोगों को मिलना चाहिए। ये भी चाहते हैं कि जो भारतीय नागरिक बाहर हैं उनको भी वोट देने का अधिकार मिले, तो यहाँ से मतलब अभी 305 सीट है, अगर हम सब लोगों को अगर आदेश होता और अलाउड होता कि हम वोट दे सके तो हम 405 सीट होती। 405 जी जी, एक चीज से वोट देने का राइट दे हमारे को यहाँ से भी, जो लोग एटलीस्ट इंडियन पासपोर्ट पे उनको वोट देने का राइट दे, और मोदी जी और अच्छा काम करे
क्योंकि जिस तरह से इंडिया में सेंसेक्स बढ़ रहा है, यूके के शेयर्स भी बढ़ रहे हैं. सेंसेक्स इज राइजिंग बिकॉज ऑफ मोदी विनिंग इन इंडिया. सो दिस इज अ बिग थिंग. द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन कम्युनिटी ओवर हियर इज giving its payback, and I think Modi's good work is going to take us long ahead in everywhere around the world. और हमें ये भी चाहिए मोदी जी, please आप यहाँ UK आइए, London आइए, आपका बहुत दिल से स्वागत करेंगे हम लोग. This is Modi 2.0. वो तो एक हिंदू ही नहीं है यहाँ पे, ये Christian है मोदी की supporter. नलिनी बहुत बढ़िया. ये जो विजय जो है ये विकास का विजय है, जो लोगों ने जिसको देखा है, लोगों ने जिसको इस्तेमाल किया, उस महसूस किया है, देखा है और फिर बाद में वोट दिया है. तो मतलब ये जो जो दूसरी जो जो सो कॉल्ड इंटेलेक्ट है उन पे सब पे ये जो विजय जो है ये उनके लिए है ये विजय. तो एक एक गाना तो बनता है फिर. आप लोग इतनी देर से जी 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 आखिरी बार जी यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं, हमारा सारे जहां से अच्छा, एक जितने जितने लोग यहां आए हुए हैं, जितने लोग आए हुए हैं, कोई किसी को बुलाया नहीं गया, सब वॉलंटियर हैं. पिछले 4-5 महीने में ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी के थ्रू, चाहे 5K रन हुआ हो या कवि सम्मेलन हुआ हो, बाइक रैली हुआ हो और सोशल मीडिया कंपेन एक काल देश के नाम, सब कार रैली, सब चाहते हैं एक सशक्त सुरक्षित और मजबूत भारत बने. और अगर संभव हो तो मोदी जी हम लोगों को ड्यूअल सिटीजनशिप अगर वो दे सके तो दैट विल बी ग्रेट. एंड वी हैव ए ग्रेट होप फ्रॉम द मोदी. हर हर मोदी. जिस तरह से इतना बड़ा जनादेश आया है उससे ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि देश ने इतना बड़ा जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम पर भरोसा करते हुए दिया है. तो ये कहना गलत भी नहीं होगा कि इस बार देश विदेश हर जगह जादू चला है नरेंद्र मोदी का. बहुत यहाँ पे उत्साह है और अभी ये सेलिब्रेशन, ये जो उत्साह है, ये उमंग है, ये कई दिनों तक चलती रहेगी क्योंकि हमें याद है 2014 में भी यही हुआ था. ये उत्साह चलता रहेगा और इसको हम यहाँ ढोल से भी खूब सेलिब्रेट किया जाएगा. गाने भी खूब गाए जा रहे हैं, आप गाइए बिल्कुल जोर शोर से गाने और फिर मिलेंगे 2024 में. फिर मिलेंगे 2024 के भी सपने देखे आ रहे हैं.